In my YouTube channel, Tej Your Guiding Guru. Today, I have two, three points for you people, which continuously coming in comments और different type of आपके जो doubts हैं उनके लिए. तो पहला point आपका ये है कि moderation policy मतलब क्या है, कैसे लगेगी. सब लोग ये सोचते हैं सब subject में लगेगी. कुछ लोग सोचते हैं मेरे 65 marks हैं तो 70 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. पहला पॉइंट में ये पूरा आपके साथ डिस्कस करूंगा. दूसरा, मेथोडोलॉजी कैसे लागू होगी, उसके अंदर भी कुछ डाउट है, जैसे इंग्लिश सेपरेट है कि नहीं है, एक साथ में होगा कैसे होगा, वो मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस करूंगा. तीसरा पॉइंट मैं आपका डिस्कस करूंगा आईसीएसई बोर्ड के अंदर किन किन सब्जेक्टों में मार्क्स की करेक्शन किस तरह से हुई है. तो ये मैंने कई टीचरों से बात करी है जो करेक्शन पे गए थे, तो उसके हिसाब से मैं इन चीजों के लिए आपको बात बताऊंगा. अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपको जो मेथोडोलॉजी और दूसरा मॉडरेशन जो था. तो मॉडरेशन के लिए अगर मैं बात आपको बताऊं तो मॉडरेशन के अंदर ये बिल्कुल भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए. जो भी कह रहा है 30% बढ़ जाएंगे, 50% बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. मॉडरेशन का वर्ड मीनिंग क्या होता है? वर्ड मीनिंग होता है अनइक्वलेंट कोई चीज है तो उसको इक्वल करना, अनइक्वलेंट को इक्वल करना. मॉडरेट टेम्परेचर इस तरह से होता है, ना गर्मी ना ठंड, तो मतलब ना कोई नीचा ना कोई ऊपर. मॉडरेशन का मतलब ये होता है, मॉडरेशन मतलब सबको एक बराबर करना. मतलब छह सब्जेक्ट हैं, छह में से चार में बच्चा 90% ला रहा है और दो में 65 रह गया. छह में से चार में 90 ला रहा, दो में 65 आमतौर पर ज्यादातर बच्चे रह गए, सबके अच्छे अच्छे बच्चों के जो मैं बता रहा हूँ, और एवरेज ज्यादातर बच्चे दो सब्जेक्ट में नीचे रह रहे हैं. ऐसे में उसको मॉडर्नाइजेशन करा जाता है और उसको भी 90 में कन्वर्ट कर दिया जाता है. दो सब्जेक्ट जो नीचे रह गए, तीन जो नीचे रह गए, मैक्सिमम सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, दो या एक सब्जेक्ट में ऊपर मतलब ले आने के लिए उनको बराबर कर दिया जाता है. तो ये होता है मॉडरेशन, बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ. अब ये अभी नहीं होता है, ये होता आखिर में जाके जब रिजल्ट तैयार हो रहा होता है उस टाइम पे ये मॉडरेशन लागू वहां पे होता है. किन सब्जेक्टों में होगा ये कन्फर्म नहीं पता होता, किसी को कोई भी नहीं बताया, वो कंप्यूटर में ही सब ऊपर नीचे होता. जो भी बता रहा है वो झूठ बोल रहा है. अगर मैं भी बता रहा हूं तो मैं झूठ बोल रहा हूं. अब आगे बात करिए मॉडरेशन का. दूसरी बात ये है मॉडरेशन के अंदर कभी भी यूं नहीं नंबर बढ़ते हैं कि किसी के 30%, ऐसा नहीं है. मतलब मॉडरेशन में जो अच्छा मान लीजिए उन्होंने क्या करा 60 से 90 बढ़ाया, अगर बच्चे किसी के पहले ही 90 है तो उसको उसका फायदा नहीं मिलता है. 90 है तो 60 वालों को ऊपर हो जाके 90 आ जाएंगे, लेकिन 90 वाले को फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा. तो ये मैंने पहले बार बार बताया है कि इंटेलिजेंट बच्चों को मॉडरेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो ये बिल्कुल मॉडरेशन क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे मतलब ये प्रॉब्लम है. तो जिस सब्जेक्ट में मॉडरेशन होगी वो आपको अभी नहीं पता लगेगा, जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद देखोगे कि अरे मेरे तो इतने आने चाहिए नंबर, यहाँ पे एकदम 20 नंबर फालतू आ गए. तो ऐसे होगा और वो आपको तभी मालूम पड़ेगा, अभी कोई भी नहीं बता सकता है. पहला बात क्लियर हो गई होगी. दूसरी मैं आपको मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ. इंग्लिश की कहीं पे भी नहीं लिखा, हाँ इंग्लिश जो एक आईएससी के अंदर लिखा हुआ है कि इंग्लिश जो है दोनों एक साथ जोड़ करके उसका एवरेज लिया जाएगा, इलेक्टिव इंग्लिश को, क्योंकि वो छूट गया पेपर उसके मार्क्स लेने के लिए, बाकी और किसी में भी कहीं नहीं लिखा है, इसलिए ये कंफ्यूजन कुछ लोगों में हो सकता है. लेकिन कुल मिलाकर के इंग्लिश जो है वो सेपरेट सब्जेक्ट लिए जाएंगे, खास तौर पे आईसीएससी के अंदर मैं बता रहा हूँ. दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, साइंस के दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं. जैसे इंग्लिश एक है तो फिर साइंस भी एक हो जाएगा, तो फिर छह सब्जेक्ट हुए ही नहीं, फिर तीन ही सब्जेक्ट होएंगे, चार होएंगे, चार के अंदर से मतलब तीन बेस्ट है, ऐसा नहीं है. छह सब्जेक्ट हैं उनमें बेस्ट थ्री लेना है. तो इंग्लिश दोनों अलग अलग हैं, साइंस दोनों अलग अलग हैं, हिस्ट्री अलग है और मैथ अलग है, बिल्कुल अलग अलग है. तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. अब आपको कैसे मेथोडोलॉजी लेना है, सबसे पहले आप अपने 80 में से, आईसीएसई के बारे में बता रहा हूँ, 80 में से तीनों सब्जेक्ट जो भी आपने बैच चुना उनकी एवरेज निकाल लीजिए. जितनी एवरेज आए उसके अंदर प्लस 20 कर दीजिए, उतने मार्क्स आएंगे. कंप्यूटर के अंदर जितनी एवरेज आए उसको 100 में कन्वर्ट करिए, प्लस 100 करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए. तो इस तरह से कंप्यूटर में थोड़े से मार्क्स फालतू आएंगे बाकी सब्जेक्टों से, क्योंकि उसमें 100 से वहां पे 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के लगे, बस ये आप ध्यान रखिएगा. अब एक बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, कंप्यूटर और हिंदी दोनों में ही कुल मिलाकर के सभी स्टूडेंट्स को घाटा होने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आमतौर पर बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और 100 मार्क्स भी बहुत बच्चों को मिलते हैं, 90 से कम तो बहुत ही रेयर बच्चे आते हैं.
लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि साइंस और इंग्लिश के मार्क्स आपको कंप्यूटर में मिल रहे हैं, तो इसलिए एवरेज मिला करके तो कंप्यूटर में वो तरीका नहीं है। हाँ, बाकियों से फिर भी ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि एंडेड प्रोजेक्ट के जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी उतने मार्क्स नहीं आएंगे जो पिछली बार आए थे, नंबर वन। दूसरी बात मैं आपको हिंदी की बता रहा हूँ, तो हिंदी के अंदर तो पूरा मतलब पहले 90 से कम आते ही नहीं थे बच्चों के, मैंने जो देखा है मेरे सामने 150 में से 10 बच्चों के 90 से कम होते थे, बाकी 140 के 90 प्लस आ जाते थे, 99, 98 बहुत बच्चों के आते थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा ये बिल्कुल आपको बता दूं, क्योंकि ये भी वही बात है, अच्छे बच्चों के आएंगे, वैसे थोड़ा सा अगर मीडियो करें उनके बच्चों के नंबर, हिंदी में घाटा होगा और कंप्यूटर में दोनों में पक्का घाटा होने वाला है, ये मैं आपको कड़वी बात बता रहा हूँ, आपको अच्छी लगे या खराब लगे। अब बाकी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ के अंदर दो नंबर शायद एक जो कोई फिगर बनाना था, मछली टाइप का फिगर बनना था, उसके दो नंबर शायद ज्यादातर बच्चों के चले गए हैं, तो वहां पे ज्यादातर 98 और मार्क्स तक बता रहे हैं कि ज्यादा सेंटर पे हाईएस्ट गए हैं, तो एक दो नंबर मैथ के अंदर हो सकता है वो कई जगह पे मतलब वो पूरे भी मिल जाए मॉडरेशन से, वो हो सकता है, लेकिन मैथ के अंदर दो नंबर कटेंगे। फिजिक्स के अंदर भी दो तीन नंबर की थोड़ी सी बता रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो उसको सोल्व करा गया है, तो वो भी पूरे हो गए हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी अच्छा करेक्शन हुआ है। मैथ के अंदर मैंने आपको बताया इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में नंबर कम आएंगे, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लैंग्वेज में कम नंबर आएंगे। लिटरेचर में 100 के 100 पूरे भी मार्क्स आए हैं बहुत बच्चों के, 20 से 30% बच्चों के 100 के 100 मार्क्स आए हैं, तो इस तरह से ये मैं आपको सारा बता दिया। हिस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है और 100 मार्क्स काफी बच्चों के आए, अगर मैं आपको कहूँ 10 से 15% बच्चे 100% मार्क्स लेने में सक्सेस हुए हैं, तो हिस्ट्री का ये है। तो इस तरह से जितने पेपर हुए हैं उनके मैं आपको बता रहा हूँ। आईएससी की पॉलिटिकल साइंस बार बार पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी जो ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हैं तो उनको भी मैं बता रहा हूँ, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है, और लगभग उनके ज्योग्राफी तो पेपर हुआ नहीं था, पॉलिटिकल साइंस का जो भी मतलब है तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, जो मेरे पास में जो मैंने इधर उधर से पता करा है, बहुत मुश्किल था पता करना लेकिन थोड़ा बहुत जो मेरे को आइडिया लगा तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आज के लिए मैं इतनी बातें आपको बता रहा हूँ, तो मैंने तीन चीजें बताई, मेथडोलॉजी कैसे यूज होगी, मॉडरेशन कैसे होगा, और उसके बाद में बाकी आईएससी की पेपरों का। तो बिल्कुल भी जो क्लियर बात है, हिंदी और कंप्यूटर में तैयार रहे, मार्क्स थोड़े से कम आएंगे, हालांकि एवरेज से कम नहीं आएंगे, लेकिन जो आपके आने चाहिए थे ये रियल आपको भी मालूम है, उससे कम आएंगे, बाकी सब्जेक्टों में ठीक ठाक है, बहुत अच्छा मार्क्स है और आपको पिछली बार से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पिछले साल का जो एवरेज था उससे अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है, तो बिल्कुल एकदम से तैयार रहिए, बहुत अच्छे से रिजल्ट आएगा, खुश रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डिमोरलाइज्ड होने की जरूरत नहीं है।